नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राजेश दलवानी। उल्लासनगर महापालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते उल्लासनगर 5 का प्रभात गार्डन आज बहुत ही दयनीय हालत में है। आपको बता दें, प्रभात गार्डन कैंप 5 के नेताजी परिसर में है। इस गार्डन में सुबह और शाम को बहुत सारे लोग टहलने आते हैं और वॉक करने आते हैं। यह गार्डन पहले काफ़ी सुंदर हुआ करता था और कैंप 4 और 5 के लिए शान हुआ करता था, लेकिन अब प्रशासन की अनदेखी के चलते बहुत ही खराब हालत में है। इस गार्डन की कुर्सियां टूटी हुई हैं। कभी इस गार्डन में शान माने जाने वाले फाउंटेन आज बहुत ही बुरी हालत में है। इस गार्डन की जो बाउंड्री वॉल है वह भी टूटी हुई है। स्थानिक नगर सेवक भरत गंगोत्री ने यह आरोप किया है कि जब गार्डन का दोपहर का समय बंद होने का होता है, उस समय भी कुछ स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं गेट बंद होने के बावजूद भी टूटी हुई दीवारें फांद कर गार्डन के अंदर आते हैं और कुछ गलत हरकतें करते रहते हैं। अब तो यहां पर लगा हुआ स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का बोर्ड भी टूटा हुआ है, जिनकी शिकायत महापालिका प्रशासन से बार बार की गई है, लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस गार्डन में सिक्योरिटी गार्ड की भी कमी है, जिस वजह से यह गार्डन आज बहुत बुरी हालत में है। इस गार्डन के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए, कमिश्नर को यहाँ विजिट भी करवाया है कि भाई इस गार्डन के लिए फंड आप उपलब्ध करा के दीजिए, तो जो खास करके चेयर्स है और कुछ बाकी के काम पेंडिंग है वो पूरे हो सके। मगर कमिश्नर का कहना है कि हम महानगर पालिका को फंड्स नहीं होने के कारण मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से आज ये गार्डन की दिशा और से बदतर होती जा रही है। दूसरा, यहाँ पर वॉचमैन की बहुत कमी है, सिक्योरिटी गार्ड्स की, उनके दोपहर के बाद आते हैं। सवेरे यहाँ पे जो कॉलेज के लड़के लड़कियाँ आके तांडव करते हैं या कुछ भी करते हैं, यहाँ जो बेंचेस है जिस तरह से आप देख रहे हो, स्वस्थ सर्वेक्षण का जो बोर्ड है जिसमें आई लव उल्लासनगर, वो भी सब तोड़ दिया गया है। तो ये सब उन बच्चों की शरारत है और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड न होने के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। और हमने महानगर पालिका के अधिकारियों को बता के थक गए कि इनको सेफ किया जाए। दूसरा, तो अभी इस तरह से हालत हुआ है कि जो यहाँ के फिक्स कर्मचारी है उनको यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है काम करने के लिए, जिस वजह से यहाँ पे आज कचरा देखेंगे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ के लेबर पूरा टाइम बाहर होने के कारण यहाँ की दिशा और बदतर होती जा रही है। हम कमिश्नर को बता के अधिकारियों को बता के थक चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे किसी का राज है ही नहीं, जैसे लावारिस हो चुका है। तो आपने PW कंप्लीट की गया कि साइड के जो गेट टूटा है, दीवार टूटा है? कई टाइम किए, कई टाइम दिखाए, विजिट किए, इवन मीडिया के थ्रू भी काफ़ी दिया हुआ है, उसके बाद भी नहीं हुआ है। इससे पहले हमने खुद ने, कमिश्नर ने बोला फंड नहीं है, तो हमने एक चौक के ऊपर आंदोलन करने की तैयारी की थी, जिसमें भीख मांगो आंदोलन का कमिश्नर को लेटर दिया था जिससे ये काम हो सके, मगर उन चीज़ों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि कमिश्नर को जो ज़रूरत की चीज़ें, जैसे यहाँ पे सीनियर सिटीजन और लेडीज़ काफ़ी आते हैं, एजेड लोग आते हैं, उनको बैठने की और अच्छी तरह सुविधा हो सके, तो उसके लिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है, अभी जिस तरह से दूसरे कामों के लिए अपन फंड निकाल रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, उस तरह इस गार्डन के लिए भी कुछ ना कुछ फंड अवेलेबल करा के देवे तो लोगों की सुविधा हो सके। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।